माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो ऐसे किचन DIY जिनमें से एक किचन DIY को हम रेडी करेंगे और दूसरे को हम देंगे मेकओवर। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घरों में जो काफ़ी सालों से हमारे पास होती हैं लेकिन फिर हमारा उनसे मन भर जाता है, तो फेंकना किस लिए, क्यों ना उन्हें नया कर दिया जाए। देखिए, एक वॉल क्लॉक है मेरे पास जो पुराने कितने टाइम से है मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसे मैं पीछे की साइड से, देखिए छोटे छोटे पेच होते हैं इसमें, मैंने खोल लूँगी और इसके सारे पार्ट्स को बिल्कुल अलग कर दूँगी। इसके अंदर जो सेकंड्स की, मिनट्स की और आर्स की सुई होती है उसे भी हम अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से अलग हो जाती है, बस बीच में आप हाथ रख के इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो आराम से ये काम कर पाएंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो पीछे एक जो मशीन होती है जिसके अंदर हम बैटरी रखते हैं, लगाते हैं, उसे भी हम खींच के इस तरह से अलग कर लेंगे। अब जो इसके अंदर प्रिंट लगा था उसे मैंने हटा लिया है और देखिए एक प्रिंट आउट निकलवाया है। आप चाहें तो डिकोपाच पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन मैं क्या करूँगी, मुझे इसके अंदर कोट को फिट करना है तो जहाँ पर कोट लिखी हुई है वहीं से मैं इसे इस तरह से इसी के नाप का एकदम कट कर लूँगी। अब इसके पीछे मैंने यूज़ किया है फेविकोल का। आप चाहें तो इसकी जगह पर जो डबल साइडेड टेप होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको इसके ऊपर यानी पुराने वाले प्रिंट के ऊपर ही मैंने चिपका दिया है क्योंकि जो ये मेरा प्रिंट आउट का पेपर था थोड़ा सा थिन था। अब इसे अच्छे से प्रेस करके बहुत अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इसके ऊपर जो कोट है वो लिखी हुई है ग्रे कलर में, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए था तो मैंने यूज़ किया है ब्लैक एक्रेलिक कलर। इससे मैं इसकी जितनी भी कोट्स हैं उस सबको बहुत अच्छे से डार्क कर लूँगी ताकि बहुत दूर से भी मेरे किचन में अगर कोई एंटर होता है तो वो पढ़ पाए कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। तो इसको हम डार्क कर लेंगे। ये टोटली चॉइस है आपकी, अगर आप नहीं करना चाहते तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अब इसी कोट के ऊपर जो कप हैं उसे भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी ताकि ये देखने में एकदम 3D फील हो। और देखिए मैंने हल्का सा कलर किया है और आप देख सकते हैं कि इसके कप अभी से 3D फील होने लगे हैं। अब फेविकोल की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस प्रिंट को वैसे ही पेस्ट कर देंगे जैसे हमारा पुरानी वाली क्लॉक के बीच में था। तो देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर जो ग्लू है वो ज़्यादा ही लगाइएगा ताकि बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए, और क्योंकि ये मैंने पुरानी शीट का इसके नीचे यूज़ किया था तो ये इसके ऊपर स्टिक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो मैंने क्या किया, इस तरह से इसके ऊपर वेट रख दिया ताकि जब ये सूखे तो उसके बाद ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब जब तक ये सूखती है तब तक हम क्या करेंगे, जो इसके बाहर का रिंग था जिसके ऊपर नंबर थे इसे भी पेंट कर लेते हैं। तो अब इसके लिए भी मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है, इससे मैं इसे बहुत अच्छे से पेंट कर लूँगी, कहीं से भी इसका रेड जो कलर है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ये भी कलर चॉइस बिल्कुल आपकी है, आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं या फिर कलर आप अपने चॉइस के हिसाब से भी ले सकते हैं। देखिए कई बार ये होता है कि चीज़ें हमारे पास जो होती हैं उनसे हमारी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं कि हम उन्हें फेंक नहीं पाते, तो क्यों ना हम उन्हें बिल्कुल नया कर लें। अब इस फ्रेम के ऊपर जो नंबर थे उन्हें भी हम एज इट इज़ पेंट कर लेंगे पहले की तरह। मैंने यूज़ किया है वाइट कलर। अब उसके बाद देखिए जो साइड का पार्ट दिख रहा था उसे मैं थोड़ा सा मिलते जुलते कलर से मर्ज कर लूँगी। मैं बिल्कुल सेम कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे एक अलग सा इफ़ेक्ट डालना था। और उसके बाद देखिए जहाँ पर अच्छे से स्पंज नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे हम ब्रश का यूज़ कर लेंगे। मैंने तो ये नॉर्मल जो घर में हमारा स्क्रबर होता है उसका यूज़ किया है, आपके पास अगर डैबर है तो आप डैबर का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से सूखने के बाद मैंने इस पे वॉर्निश का एक कोट कर लिया है और इसे अच्छे से असेंबल कर लिया है पहले की तरह। तो देखिए हमारा पहला किचन DIY एकदम रेडी है। DIY की तरफ देखिए, ये मेरे पास इस तरह का एक जो वुडन का पीस होता है वो है जिसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक पेंट हुआ है।
अब मैंने लिया है ये नॉर्मल जो घर में स्पंज होता है वो, उसकी हेल्प से मैं इसके ऊपर कर लूँगी वाइट एक्रेलिक पेंट। जब एक कोट अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही हम दूसरी अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसी तरह से जब मैंने एक कोट कर ली उसके बाद मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर दूसरी कोट की। कहीं से भी ब्लैक कलर दिखना नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से पेंट कर लिया है। अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए मैंने ली है ये फेविक्रिल की जो मोल्डेड क्ले आती है वो, और इसके अंदर दो पार्ट आते हैं रेजिन और हार्डनर। इसको आपस में मिलाइए और ये आटे की तरह बन जाती है। उसके बाद थोड़ा सा टेलकम पाउडर की हेल्प से आप इस तरह से इसे बेल लीजिए और बेलने के बाद आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। मेरे पास है ये जो क्ले कटर होते हैं वो, इसकी हेल्प से मैंने इसके छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब देखिए मैंने एक नॉर्मल जो वाइट शीट होती है उसके ऊपर लिखा है मॉम्स किचन। इसे मैंने पहले नॉर्मल पेपर के ऊपर लिखा है, इसके बाद मैं इसके ऊपर इसको ट्रेस करूँगी। वरना तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट लिखती तो क्या होता, हो सकता है बीच में डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाती, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और नॉर्मल पेपर के ऊपर लिखने के बाद उसके बाद उसके ऊपर ट्रेस किया है और बहुत आसानी से और एकदम ठीक से ये इसके ऊपर ट्रेस हो गया है। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने लिया है रेड एक्रेलिक पेंट। इससे मैं इसके ऊपर जितना भी मैंने मॉम्स किचन लिखा है इसको अच्छे से फिल कर लूँगी, और क्योंकि मैंने इसे ट्रेसिंग की है तो देखिए इसके ऊपर अब मुझे लगानी पड़ेगी दो कोट, क्योंकि क्या होता है नीचे का जो ब्लू कलर होता है वो विजिबल होता रहता है। तो जब एक कोट अच्छे से सूख गई उसके बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा भी एक कोट और की, ताकि ये बिल्कुल भी जो अंदर का ब्लू कलर है वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। अब देखिए जो फ्लावर्स मैंने काट के निकाले थे उनको मैंने अब अच्छे से सुखा लिया है। सूखने में मुश्किल से आधा घंटा लगा क्योंकि अब तो बहुत गर्मी है और आराम से सूख जाते हैं। उसके बाद मैंने इन्हें कर लिया है पेंट एक्रेलिक वाइट कलर से, और अब जब ये अच्छे से सूख गई है इसकी कोट, मैंने इनको सबको रेड कलर से पेंट कर लिया है। अब देखिए मैं इन जो जितने भी मेरे पास फ्लावर्स हैं इनको इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से पेस्ट कर सकते हैं। मैंने पेस्ट करने के लिए यूज़ किया है फेविकोल। आप चाहें तो जो नॉर्मल जो ग्लू आता है वुड ग्लू उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैं इसके ऊपर इसको लगाऊंगी थोड़ा सा रैंडमली, क्योंकि मुझे एकदम जो सीक्वेंस है वो लुक इसके ऊपर नहीं चाहिए था, तो मैंने कहीं बड़े फ्लास्क का यूज़ किया है कहीं छोटे का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन डस्ट पाउडर से देखिए इस तरह से टच दिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और बनने के बाद ये जो मेरा किचन DIY है ये बहुत खूबसूरत लगा। इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ ऐसा आया। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो किसी भी रीज़न से आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कौन सा DIY ज़्यादा पसंद आया। जो फ्रेंड्स पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।